सो टेक फैमिली, आज हम बात करेंगे टॉप बेस्ट गेमिंग लैपटॉप की, जो कि आप 80,000 के प्राइस रेंज में लैपटॉप बाय कर सकते हो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो। अभी ज़्यादा समय खराब नहीं करते, बात कर लेते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 पे यार मैंने रखा है HP विक्टस को। तो यार सबसे ज़्यादा मैसेज यही आते हैं कि HP का लैपटॉप चाहिए। अगर आप उनमें से आते हो तो भी आप इस लैपटॉप की ओर जा सकते हो। एंड इसका बजट जो है ना, वो आपको 80,000 के प्राइस रेंज में ही ये लैपटॉप मिलता है, जो स्पेसिफिकेशन अभी बताने वाला हूँ। 16.1 इंच के साथ फुल HD डिस्प्ले है, 144 रिफ्रेश रेट के साथ। राजन 7 इसमें प्रोसेसर मिलेगा 5800H के साथ। 8 कोर का ये प्रोसेसर है, 8GB रैम है, 32GB रैम अपग्रेड कर सकते हो, 512GB आपको SSD मिलेगी। GTX 1350 में आपको 4GB ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। विंडो 11 देखने को मिलेगी, 2021 आपको MS ऑफिस मिलेगा, 5-6 आवर्स का बैटरी बैकअप, 720p वेब कैमरा देखने को मिल जाता है, 50% चार्ज ये लैपटॉप हो जाता है सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स में। तो लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिए। लैपटॉप 80,000 के प्राइस रेंज में मिल रहा है, लेना नहीं लेना आपकी मर्जी है। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया। आगे बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 की बात करूं, नंबर 2 पे यार मैंने रखा है Acer Nitro 5 को। तो यार ये लैपटॉप आपको 79,990 रुपीज के प्राइस रेंज में मिल रहा है। अपने प्राइस रेंज में पूरा सेट बैठ रहा है। एंड मैं आपको बता दूं इनमें से लैपटॉप बेस्ट कौन सा है, मैं आपको अभी नहीं बताने वाला, वीडियो के एंड में बताऊंगा, अभी नहीं मैं आपको कंक्लूजन देने वाला। अभी मैं सिर्फ आपको लैपटॉप के बारे में बता रहा हूं, किन कैटेगरी के लिए बेस्ट होने वाला है एंड उनके स्पेसिफिकेशन बता रहा हूं, ठीक है। स्पेसिफिकेशन की बात करूं, आपको 15.6 इंच के साथ फुल HD डिस्प्ले मिलेगी, वो भी 144 रिफ्रेश रेट के साथ। i5 12th जनरेशन के साथ प्रोसेसर है, जो कि 12 कोर का प्रोसेसर मिल जाता है। पावरफुल प्रोसेसर होने वाला है यार, कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हो। 8GB रैम है, 32GB रैम अपग्रेड कर सकते हो, 512GB आपको SSD मिलेगी। RTX 1315 4GB ग्राफिक कार्ड है, विंडो 11 इसमें देखने को मिल जाती है। 4-Zone बैकलीड आपको RGB बैकलीड के साथ देखने को मिल जाता है। पोर्ट्स की दिक्कत नहीं आएगी, Wi-Fi 6 की सपोर्ट, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 देखने को मिल जाता है एंड किलर कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी Acer Nitro 5 में। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, ये लैपटॉप बना ही गेमिंग डिज़ाइन में है एंड ये गेमिंग के लिए अच्छा होने वाला है। वीडियो एडिटिंग कोई हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है। i5 12th जनरेशन इसमें प्रोसेसर है यार, जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर है इंटेल की ओर से। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो, मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको 4-5 साल भी लैपटॉप को यूज़ करना है, आप इजीली नॉर्मली यूज़ कर सकते हो। कोई हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है तो कर सकते हो। आगे बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 की बात करूं, नंबर 1 पे यार मैंने रखा है MSI Sword 15 को। अगर इस लैपटॉप की बात करूं, ये लैपटॉप 80,000 से अपर चला जाता है। ये लैपटॉप आपको 83,000 के प्राइस रेंज में अप्रॉक्स मिलेगा। मेरी और से रिकमेंड आपको यही है कि भैया आप इसी लैपटॉप की ओर जाना, अगर आप दिल्ली मुंबई शहर से आते हो। अगर आप छोटे शहर से आते हो तो देख लेना कि इनका सर्विस सेंटर आपके शहर में मिल रहा है या नहीं मिल रहा। 15 इंच के साथ आपको फुल HD डिस्प्ले मिलेगी, 144 रिफ्रेश रेट के साथ। i5 12th जनरेशन इसमें भी मिलेगा, 12 कोर का प्रोसेसर है, 16GB रैम है, 64GB रैम अपग्रेड कर सकते हो। यहाँ पर प्लस पॉइंट आ जाता है, प्लस इसमें आपको 1TB SSD देखने को मिलती, नॉर्मल SSD नहीं मिलती भाई, M.2 NVMe SSD मिलती है, जो कि डाटा वगैरह ट्रांसफर करने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी है। RTX 1350 4GB ग्राफिक कार्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 11, बैकलाइट की के साथ मिलेगा, 720p वेब कैमरा, पोर्ट्स की दिक्कत नहीं आएगी एंड ये लैपटॉप हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप है यार। तो अगर आप 80,000 बजट लेकर जाते हो तो मेरी ओर से रिकमेंड आपको यही है कि आप 3,000 एक्स्ट्रा डाल सकते हो तो आप इसी लैपटॉप की ओर जाना। कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, वीडियो एडिटिंग करनी है, 3D एनिमेशन करनी है, उसके साथ साथ अगर आपको 4K गेमिंग करनी है, लास्टिंग करनी है, तो करवा देगा, दिक्कत नहीं आएगी एंड इसके थर्मल वगैरह भी बहुत अच्छी हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन मैंने आपको बता दिया कि आप MSI Sword 15 की ओर ही जाओ, लेकिन अगर आप 3,000 एक्स्ट्रा पे नहीं कर सकते हो तो आप Acer Nitro 5 की ओर जा सकते हो। तो यार ये थे लैपटॉप जो कि 80,000 के प्राइस रेंज में गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, कोई हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, इन कैटेगरीज के बंदों के लिए बेस्ट होने वाले हैं, मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। सो थैंक यू।